में आप सभी का स्वागत है। मैं दिव्या शुक्ला, आइए बढ़ते हैं खास खबर की ओर। आज महारानी लक्ष्मीबाई ताजिया कमेटी झांसी के तत्वाधान में रानी महल के मुख्य द्वार पर बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा लिखित संविधान का 74वां दिवस बड़ी निष्ठा और सम्मान के साथ संविधान की प्रस्तावना को सामूहिक रूप से पढ़कर मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता इंजीनियर जगदीश लाल, मुख्य अतिथि मोहन नेपाली, वरिष्ठ पत्रकार, विशिष्ट अतिथि विनोद अलपुरिया समाज सेवी रहे। कार्यक्रम का मुख्य वक्ता कैलाश गौतम, वरिष्ठ शाखा प्रबंधक सेंट्रल बैंक थे। अन्य वक्ता ओम प्रकाश, भगवत नारायण, धर्म सिंह निरंजन, भट्टा गुरु, हाजी मुन्ना बाबू, महिपत झा आदि मौजूद रहे। सभी ने इस अवसर पर संविधान की रक्षा करने, संविधान को पूरी तरह लागू करने और बाबा साहेब अंबेडकर के हिंदू कोड बिल को पूरी तरह शीघ्र लागू कराने की शपथ ली। सभी ने बाबा साहेब के मिशन को पूरे विश्व में प्रचारित करने का प्रण भी लिया। संविधान ने हमें स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, विचारों की अभिव्यक्ति, धर्म, शिक्षा के साथ सभी अधिकार दिए हैं। महिलाओं को सभी तरह के अधिकार दिलाने के लिए सभी ने बाबा साहेब को नमन किया। वहीं एक स्वर में संविधान विरोधी, नफरती, विघटनकारी और जहरीली विचारधारा वाली ताकतों का घोर विरोध भी किया। अंत में समिति के अध्यक्ष अब्दुल राशिद ने सभी का आभार व्यक्त किया। संवाददाता नीरज भटनागर के साथ अंशु मिश्रा की रिपोर्ट। कैलाश गौतम, सेवा वरिष्ठ अधिकारी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। आज महारानी लक्ष्मीबाई ताजिया कमेटी द्वारा बाबा साहब द्वारा लिखित भारतीय संविधान का संविधान दिवस मनाया जा रहा है, उसमें मुझे अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। और बाबा साहब ने देश के प्रत्येक नागरिक के लिए अधिकार, समता, समानता, न्याय, सुरक्षा, अभिव्यक्ति की गारंटी दी है। और मुझे इस बात का बड़ा दुख है आज के दिन कि जो विश्व के सबसे श्रेष्ठ विद्वान बाबा साहब अंबेडकर थे, उनको भारत के कुछ लोगों ने अंडर एस्टिमेट किया, जबकि सबसे ज़्यादा काम बाबा साहब ने महिलाओं के लिए, भारत की महिलाओं के लिए, सब वर्ग की महिलाओं, और उन्हें आज दलितों का मसीहा कह के अंडर एस्टिमेट किया जाता है। मैं इसका विरोध करता हूँ। बाबा साहब विश्व की मानवता, समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारे के लिए दया करुणा के साथ इस संविधान को लिखा है। इसमें सभी धर्मों का, सभी व्यक्तियों का, सभी क्षेत्र का, रंग भेद से समानता का अधिकार देते हुए बाबा साहब ने विश्व का सर्वश्रेष्ठ सम्मान आज सदन के पटल पर रखा था। 26 जनवरी 1949 को जो 26 जनवरी 1950 को लागू भारत में हुआ था। इसी के साथ मैं आप शब्दों को बता दूँ। थैंक यू सर। मेरा नाम है डॉक्टर पप्पूराम सहाय। आज हमारे देश का जो संविधान, जो विशाल देश का संविधान लिखा गया है, आज संविधान दिवस हम लोग यहाँ रानी महल पर मना रहे हैं। और सभी लोग यहाँ पर मिलकर, जो कि जो लोगों ने संविधान को पढ़ा है, जो लोगों ने संविधान के बारे में जाना है, जिन्होंने संविधान की ताकत को समझा है, बाबा साहब की कलम की ताकत को समझा है, वो सब लोग हम लोग मिलकर यहाँ पर क्या कहते हैं, इस रानी महल के दरबार में, रानी महल के सामने हम लोग बाबा साहब को नमन कर और संविधान दिवस मना रहे हैं। क्योंकि संविधान में जो नीयत है, जो ताकत है, हमारा देश उसी से चल रहा है। और उसमें सबसे बड़ी खासियत और एक बात यह है कि यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है संविधान में, ना जात पात है, ना ऊंच नीचे, ना छोटा बड़ा है, और सभी लोग इसके अधीन आते हैं। और हमारा कानून भी इसी के अंतर्गत चलता है और पूरा देश इसी पर चल रहा है। और बाबा साहब ने नीचे तबके से लेके ऊपर तक के लोगों को इसमें श्रेय दिया है, ताकत दी है कि कोई भी यहाँ पर एक छोटा सा आदमी भी, देखिए अभी आप खुद देख रहे हैं देश के प्रधानमंत्री जो हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी, वो भी निचले तबके से आए हैं। और हमारे देश की जो राष्ट्रपति है, प्रथम नागरिक, वो भी आदिवासी हैं, लेकिन देखिए निचले स्तर से होकर हमारी प्रथम नागरिक बनी है हमारे देश की। और जो कई लोग ऐसे ऊंचे पदों पे हैं, वो निचले पदान से चलकर ऊपर पहुंचे, वो संविधान के, सिर्फ संविधान की ताकत पे, संविधान की वजह से कोई उनको रोक नहीं सकता। हर पद पे आपको निचले से आदमी मिलेंगे, लेकिन हम लोग संघर्ष कर रहे हैं कि जो एक्चुअली में हमको मिलना चाहिए, जो संविधान के अंदर हमको ताकत थी वो मिलनी चाहिए, वो नहीं मिली है, उसके लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। और बाबा साहब को हम लोग संविधान दिवस पे नमन करके याद कर रहे हैं। नाम है आपका?
मेरा नाम है इंजीनियर जगदीश लाल। आज कहाँ पर आए हुए हैं आप? मैं नहीं, कोतवाली में रानी महल पे आया हूँ। क्या प्रोग्राम आयोजित किया है? बाबा साहब का 74वां संविधान दिवस मनाया जा रहा है, उसके उपलक्ष्य हम लोग आए हुए हैं और जो यहाँ की कमेटी है उसने ये कार्यक्रम रखा है, हम उनके आभारी भी हैं। और दूसरी बात यह है कि बाबा साहब के कानूनों पर हम लोग काम कर रहे हैं, उस पर चल रहे हैं, उसको हम किसी को ना नीचा दिखाना चाहते हैं ना ऊंचा दिखाना चाहते हैं। हम चाहते हैं सारे लोग एक साथ मिलकर रहें और ये कार्यक्रम को भी सारे लोग मनाएं, तो मैं समझता हूँ ज़्यादा अच्छा होगा। रानी लक्ष्मीबाई भाई साहब के नाम का ताजिया कमेटी है, ये संविधान का दिवस मना रही है और सबसे पहले आज हम जब संविधान के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हमको याद आती है बाबा साहब अम्बेडकर की। हम उन्हें नमन करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं और हम उनके कृतज्ञ हैं भारतवासी कि उन्होंने ऐसा संविधान दिया जिससे सारा देश एक रहा और सारे देश में स्वतंत्रता की भावना जगी। आज अगर संविधान का हम देखेंगे तो बहुत अच्छा निर्माण हुआ आज का। आज हम बहुत लोगों ने साथ दिया, सभी लोगों ने, और उसने भारत की बल्कि भारतीयता की रक्षा होती है संविधान से। इसके बहुत चैप्टर हैं और हमें बोलने की आज़ादी जो मिली है संविधान से मिली है। आज बहुत बातें हैं इसको कहने की, केवल इतना कहेंगे कि अगर हम संविधान को बारे में जब भी हम बात करेंगे हम बाबा साहब की बात जरूर करेंगे और बाबा साहब के हम रेडी रहेंगे, तो उनके कारण हमें आज इतना बढ़िया विश्व का सबसे बढ़िया सर्वाधिक बेहतरीन संविधान मिला है। आज हम उनको प्रणाम करते हैं और नई पीढ़ी को चाहते हैं कि संविधान का अध्ययन करें और अपने सुझाव अर्पित करें ताकि इसमें और भी बढ़ोतरी हो सके। जय रसीद। अध्यक्ष वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई, ताजिया इमामबाड़ा, राष्ट्रीय पंच परमेश्वरी महासमिति। आज महासमिति के तत्वाधान में बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की संविधान दिवस को आज हम ताजिया कमेटी के लोग मना रहे हैं और हमारे इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि हमारे शहर कोतवाल श्री शिव कुमार सिंह जी और हमारे विशिष्ट अतिथि माननीय चंदन सरोज जी मिनरवा चौकी रहे। और इस अवसर पर हमारे डॉक्टर पप्पू राम जी, धर्मपाल जी और पवन कोरी जी, हाजी मुन्ना भाई, इंजीनियर जगदीश लाल जी, मोहन नेपाली जी, हमारे पप्पू भाई पार्षद जी, पट्टा गुरु महिपत झा जी, ये सारे लोग उपस्थित रहे हैं और इस कार्यक्रम को आज हम लोगों ने बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया है। और इसी के तहत हम लोग ये चाहते हैं कि जिस तरीके से बाबा साहब ने ये संविधान लिखा है, इसी तरीके से इस ताजिए का भी एक संविधान है जो कि माननीय हमारे शहर कोतवाल साहब के नेतृत्व में ये कार्यक्रम चलता है और ताजिया कमेटी के हमारे वो मुख्य पदेन संरक्षक हुआ करते हैं। तो आज हमारे माननीय शहर कोतवाल साहब के मुख्य अतिथि में और चंदन सरोज जी के विशिष्ट अतिथि में और तमाम गणमान्य नागरिकों की मौजूदगी के बीच में ये कार्यक्रम को आज मनाया गया है। और हमारी प्रशासन से बस यही मांग और निवेदन है कि जिस तरीके से रानी लक्ष्मीबाई के ताजिए को अभी तक जगह मुकर्रर नहीं हुई है तो वो जगह को मुकर्रर करें, क्योंकि यहाँ से जब कोतवाली शिफ्ट होकर के वहाँ गई तो कोतवाली को तो जगह मिल गई लेकिन आज रानी के ताजिया के लिए जगह नहीं मिल रही है, जिस कारण आज हम लोगों को रोड पर बैठ करके ये कार्यक्रम को करना पड़ता है। बड़े शर्म का विषय है यार कि जिस महारानी झांसी की ये पूरी झांसी है और जिस रानी का ये पूरा महल है आज उसी के ताजिए के लिए हम लोगों को स्थान प्राप्त नहीं हो पा रहा है, तो बड़ा खेत के साथ हमको कहना पड़ रहा है। और हमारा निवेदन अनुरोध है प्रशासन से कि जो सामने जो सुंदरीकरण हो रहा है तो इसमें रानी झांसी के ताजिए की जगह को मुकर्रर करें। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज देशवासियों को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान दिवस पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ।